ये लीजिए मैम साहब। मीतू लॉकर की चाबी लाना, जाने से पहले मुझे कुछ जरूरी चीज निकालनी है। मॉम, मम्मा, पापा से कहो ना कि मुझे मूवी जाने की परमिशन दे दे। अनामिका, इससे कह दो कि बेकार की जिद ना करे। अभी इसकी उम्र नहीं हुई कि अकेले जाकर पिक्चर देखे। पापा, मैं 18 कंप्लीट कर चुकी हूँ और मुझे पता है कि क्या अच्छा और क्या बुरा है। ठीक ही तो कह रही है मेरी बेटी। निलेश, मेरी बेटी की जिंदगी में दखल अंदाजी मत करो। दवाई खाओ और अंदर जाके सो जाओ। थैंक यू मामा। माना किस घर में पैसा कमाकर तुम लाती हो, लेकिन कविता की परवरिश में मेरा भी बराबर का अधिकार है। ये लीजिए चाबी। मॉम, मुझे लेट हो रहा है, मैं जाऊं? ओके बेटा, एंजॉय। थैंक यू मॉम, बाय। बाय पापा। ये कोई तरीका नहीं है बच्चे की परवरिश करने का, इस तरह से तो बच्ची बिगड़ जाएगी। मेरी बेटी की परवरिश कैसे करते हैं ये मुझे तुमसे सीखने की जरूरत नहीं है निलेश। साहब तो अपने कमरे में चले गए, पर मैं चुप बैठने वालों में से नहीं हूँ। मेम साहब, आज तक मैंने जो कुछ भी काम किया है पूरी ईमानदारी से किया है। अच्छा, आगे भी ईमानदारी से करती रहो, इसी में तुम्हारी भलाई है। मैं आखिरी बार पूछ रही हूँ, आपका जवाब हाँ है या नहीं। तुमने जब मुझसे पहले भी पूछा था मैंने तुम्हें ना कहा था, अब बार बार पूछ के तुम मेरा वक्त क्यों बर्बाद कर रहे हो। अगर आपका फैसला ना है तो इसके आगे मैं जो कुछ भी करूंगी उसके जिम्मेदार सिर्फ आप रहोगे। मीतू, बचपन से लेके आज तक मैंने जो भी किया है उन सब की जिम्मेदारी मैंने खुद ली है। मैम साहब, वो लोग आ गए जी, नीचे गाड़ी में आपका इंतजार कर रहे। अच्छा, अंदर आओ। ये क्या हो गया मैम साहब? कविता फिल्म देखने गई है और नीलेश अपने कमरे में आराम कर रहे हैं। मेरे वापस आने से पहले इस लाश को ठिकाने लगा देना, समझ गए ना? जी मैम साहब। मैम, आपने वो सामान तो लिया है ना? पिया, मैंने कितनी बार कहा है कि मुझसे ऐसे बेकार के सवाल मत किया करो। अगर सामान नहीं लाई होती तो हम क्लाइंट से मिलने नहीं जा रहे होते। सॉरी मैम। हेलो, क्या? पर क्यों? ओके ओके, ठीक है ठीक है। क्या हुआ? मैम, वो क्लाइंट के पीए का फोन था, कह रहा था कि प्लान में थोड़ा बदलाव है। कैसा बदलाव? अब हम पार्टी में नहीं जा रहे, 5 बजे सिग्नल के पास हमें एक आदमी मिलेगा और अब वही बताएगा कि वहाँ से हमें जाना कहाँ है। और साथ में उसने ये भी बोला है कि गाड़ी के अंदर की लाइट्स को ऑन रखना ताकि वो हमें आसानी से पहचान सके। बहुत अजीब बात है यार, आखिरी मिनट पे ऐसा बदलाव क्यों? कहीं ये बदलाव क्लाइंट की कोई साजिश तो नहीं? मैम, 5 बजे सिग्नल तो आ गया है। इस पते पे जाना है जो इस लिफाफे में लिखा है। एनवेलप खोलो, देखो क्या लिखा है। मैम, इसमें तो टाइगर क्लब में होने वाले प्ले जिसका नाम बीवी का बदला है उसी के 3 पासेस दिए हैं उसने। टाइगर क्लब? पर हम प्ले के दौरान डीलिंग कैसे करेंगे? ये तो वहीं जाके पता चलेगा।
गुड इवनिंग एंड वेलकम लेडीज एंड जेंटलमैन। आप सभी के सब्र का और इम्तिहान ना लेते हुए मैं अनाउंस करना चाहूंगा हमारे प्ले की शुरुआत। तो एक बार जोरदार तालियां हो जाए हमारे इस प्ले के लिए जिसका नाम है बीवी का बदला। मैं उसे डॉक्टर के पास ले जाने के बहाने घर से बाहर लेकर आऊंगा। तुम्हें मौका मिलते मालूम है ना क्या करना है। अरे कुछ बोल क्यों नहीं रही? डायलॉग क्यों नहीं बोल रही? इसका डायलॉग था ना दीना। और दीना डायलॉग बोल। डायलॉग बोल दीना। दीना डायलॉग बोल। मैं यहाँ क्या कर रही हूँ? और तुम यहाँ अकेले क्यों खड़े हो? क्या कर रही हो तुम? तुम्हें मुझ पर चिल्लाना है? ड्रॉर से गन निकालो और मुझे धमकी दो क्योंकि मैंने तुम पर हाथ उठाया। तुमने मुझ पर हाथ उठाया? हाँ? मुझे नहीं पता। अब मैं तुम्हें दिखाती हूँ कहाँ है ड्रॉर। मुझ पर हाथ उठाया ना? अरे मार दूंगी मैं तुम्हें। कर क्या रही हो तुम? मार दूंगी। सत्यानाश, ये लड़की कर क्या रही है? अरे ये असली बंदूक है। अरे रोको इसे, कोई पागल हो क्या? अरे लग जाएगी, रुको रुको। नहीं, अरे इसे रोको। मुझ पे हाथ उठाते हो? अरे रोको इसे। और अभी हाथ उठाते हो तुम? मार दूंगी मैं तुम्हें। रोको इसे, कोई मार दूंगी। रोक ए पकड़ो इसे। ए रोको इसे, कोई अरे कोई पकड़ो इसे। अरे गोली चल गई लेकिन मैंने किसी को नहीं मारा। मुझे नहीं पता ये सब कैसे हो गया। सर सही वक्त में हमने उसे बंदूक छीन ली। न जाने वो कितनी गोलियां चला दी। सर सर भगवान का शुक्र है कि मैं बच गया, नहीं तो गोली सीधे मेरे पैर पे लग जाती। शशांक के पैर में लगी ना? हाँ, गोली। जी हाँ। यस सर, और उसे हमने हॉस्पिटल भिजवा दिया है। कमाल का निशान है, गोली लगती ही मौत हो गई। गोली अभी अंदर ही है। तुम लोग मुझे तंग मत करो, मैंने कुछ नहीं किया। तुम सब लोग बहुत गंदे हो, सबके सब झूठे हो। मैं कह रही हूँ ना कि मैंने किसी को नहीं मारा, मैंने गोली नहीं चलाई। मैं तो सिर्फ मीर की पत्नी बनी थी ना, और प्ले कर रही थी। मैंने किसी को नहीं मारा। पता नहीं असली गोली कैसे चली। मुझे 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 कुछ नहीं पता, कुछ नहीं पता मुझे। बस इसकी आंखों की पुतली को देख करके लगता है इसे किसी ने नशीली चीज दे दी है, उसी की वजह से ऐसा बर्ताव कर रही है। अगर ये बात है तो फिर जरूर ये किसी अंदर वाले का ही काम है। बता क्या कहना है तुम लोगों? सर हाँ? सर हमने कुछ नहीं किया। सर सच में हमने कुछ नहीं किया। सर मालूम नहीं सर गन नकली से असली कैसे हो गई। अपने आप तो नहीं हो जाएगी ना नकली से असली, किसी ने तो किया होगा। सर हमें नहीं पता। एक मिनट, कब से ऐसा बर्ताव कर रही है ये? सर जब से स्टेज पे आई है सर तब से। हाँ सर वो मेकअप रूम में बिल्कुल ठीक थी सर। क्या मेकअप रूम में बिल्कुल ठीक थी? पूर्वी इसके मेकअप रूम में जाओ और अच्छी तरह से चेक करो। सांग तू भी जाया, देख कुछ मिलता है क्या। ठीक। नशीली चीज होगी तो इन्हीं में से किसी में होगी। ये जूस, सैंडविच, खाने का डब्बा, टिश्यू पेपर। दीना इस कमरे में अकेली थी या कोई और भी था उसके साथ?
जी वो अकेली थी। उर्मी, वो ड्रॉपर और वो पेपर जो रखा है उसकी स्टिक दो। सर। अनापिका मैडम टीना को नहीं जानती थी। और ये बाकी के लोग उनको जानती थी? हाँ सर, इन सबको वो बहुत अच्छे से जानती थी। आखिर इस क्लब की वो वाइस प्रेसिडेंट जो थी। बॉस, सोर्स का पता चल गया। नशा मौसम्बी के जूस में दिया गया था। किसने दिया था ये जूस दीना को? सर, दीना हमेशा अपना जूस और टिफिन घर से लेकर आती थी, इसलिए वो बाहर का कुछ भी नहीं खाती थी। मतलब किसी ने चुपके से इसके जूस में नशा मिला दिया और वो गन भी बदल दी। सर ये जरूर किसी बाहर के आदमी का हाथ है, क्योंकि सर अंदर का आदमी ऐसा नहीं कर सकता। बाहर का आदमी इतनी आसानी से मेकअप रूम तक नहीं पहुंच सकता। सिक्योरिटी वाले खड़े हैं, सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। अभिजीत, ये काम किसी अंदर वाले का ही है। ये नहीं हो सकता सर, ये नहीं हो सकता। अनामिका, तू मुझे छोड़ के नहीं जा सकती। अनामिका, तू मुझे छोड़ के नहीं जा सकती। अब प्लीज संभालिए अपने आप को। शांत हो जाइए, शांत हो जाइए इंग्लिश जी। किसने मारा होगा उसे सर? तहकीकात जारी है, बहुत जल्द खूनी पकड़ा जाएगा। देखिए ये वक्त नहीं है आपसे कुछ सवाल करने का, लेकिन क्या करें, मजबूर हैं, आपकी मदद चाहिए हमें। क्या बता सकते हैं कौन कौन कर सकता है? मेरा मतलब है क्या आपको किसी पर शक है? मुझे तो ये भी नहीं मालूम सर कि वो कोई प्ले देखने जा रही है सर। उसने तो कहा था कि पी और शशांक के साथ किसी पार्टी में जा रही है सर। देखिए शशांक पर हमला हुआ, वो हॉस्पिटल में और पिया सदमे में। नीलेश जी एक बात बताइए, जब अनामिका घर से निकली थी तभी क्या आपको कुछ परेशान सी लगी, कुछ टेंशन में थी, उनके बर्ताव में कुछ अजीब सा लगा आपको? हा? सर वो रोज की तरह बर्ताव कर रही थी। रोज की तरह? अच्छा, एक मिनट सर, मुझे एक इंसान पे शक है सर। कौन? हमारी नौकरानी मीतू। मीतू? अनामिका ने उसे कई बार नौकरी से निकालने की कोशिश की सर, लेकिन किसी ना किसी कारण से वो उसे निकाल नहीं सकी। बुलाओ इस मीतू को, कहाँ है वो? सर वो तो नहीं है, मैम साहब गई तो बाहर चली गई वो। क्या, अनामिका के जाने के बाद वो चली गई? तो आप लोगों ने किसी ने पूछा नहीं उसे? सर मुझे तो कुछ भी मालूम नहीं है, अभी रुपेश से पता चला। रुपेश? क्या मैं अपनी बेटी को खबर कर सकता हूँ सर? वो अपने दोस्तों के साथ फिल्म देखने गई है। फोन पर मत बताइए उसे, बच्ची है घबरा जाएगी। उसे घर पर बुला लो, फिर शांति से बता दो। पापा? हेलो पापा। हाय, अभी तक आप सोए नहीं? हेलो कविता, कहाँ हो तुम? मैं सिनेमा हॉल के पार्किंग में। अच्छा मेरी बात सुनो, मेरी बहुत तबीयत खराब हो रही है, तुम प्लीज जल्दी से घर आ जाओ। क्या तबीयत खराब है, क्या हुआ? और मामा कहाँ है? मामा अभी तक घर नहीं आई है बेटा। तुम जल्दी से घर आ जाओ, मुझे दवाई भी लेनी है। हाँ पापा, बस 15 मिनट में पहुँची। ठीक है बेटा, लेकिन मेरी बात सुनो कविता, गाड़ी आराम से चलाना बेटा। जी पापा, आप चिंता मत कीजिए। कविता, कविता। क्या हुआ कविता, तुम ठीक तो हो कविता? कविता कहाँ गई है? कविता कौन से थिएटर में गई है? अंकुर सिनेमा सर। पूर्वी, तुम और पंकज जाओ,
अंकुर सिनेमा चली जाओ जल्दी। ये कविता के पास गाड़ी कौन सी है? MP SV लाल कलर की गाड़ी थी और गाड़ी नंबर था UIT 654। जाओ जल्दी जाओ। सर। कविता पहले माँ और अब उसकी बेटी, कहीं सबके पीछे कोई इनका करीबी तो नहीं? देखिए मैं शशांक को जब यहाँ चेक करने आया तो नस मर चुकी थी और पेशेंट गायब था। कहाँ? ढूंढा नहीं उसको। सर ढूंढा, हर जगह चेक किया मैंने। एसपी सर को क्या बोलूंगा? देखो नीलेश, ये जो भी है, अगर वो तुम्हारी बेटी कविता को कुछ नुकसान पहुंचाना चाहता था तो वहीं पे पार्किंग लॉट में कुछ कर देता ना, उसे दूर नहीं ले जाता। इसीलिए कहता हूँ फिक्र मत करो। सर, सर शशांक सर। क्या हुआ शशांक को? पर तुम तो पूर्वी के साथ पार्किंग लॉट में गए थे। नहीं सर। हाँ सर, मगर वो हॉस्पिटल से फोन आया था सर कि शशांक को कोई ले गया। सर शशांक को कोई ले गया? कैसे? सर वो नर्स पे हमला करके और सर वो फायर एग्जिट से निकल के। सर पहले कविता गायब हुई, फिर शशांक, और ये कहीं पिया? पिया तो हॉस्पिटल पहुंचे नहीं सर, उसको तो रास्ते से किसी ने उठा लिया। एक एक करके अनामिका के नजदीक के लोग गायब होते जा रहे हैं। बड़ा चक्कर है, कोई बहुत ही बड़ा चक्कर। पर क्या इसलिए किसी एक आदमी का काम नहीं लगता, उसके साथ पूरी की पूरी गैंग है। शायद किडनैपर का फोन होगा। नीलेश फोन उठा और स्पीकर फोन ऑन करो। हेलो हेलो। बीबी की मौत का गम मना रहे हो नीलेश, या फिर बेटी की मौत की चिंता सता रही है? कौन हो तुम, क्या चाहिए? मेरा कुछ सामान तुम्हारे पास पड़ा है। सामान? कैसा सामान? मेरा सामान लौटा दो और बदले में अपनी बेटी की जिंदगी ले लो। कैसा सामान? ये भी मुझे समझाना पड़ेगा। अरे हाँ, सामान से याद आया, तुम्हारी बेटी का कुछ सामान भेजा है, दरवाजे के बाहर है। और हाँ, फोन टैप करके अपना वक्त बर्बाद मत करना, क्योंकि PCO वाले को मालूम ही नहीं कि उसका फोन इस्तेमाल हो रहा है। हेलो 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 सर। हाँ, ये बॉक्स रखा था बाहर से, खोलो इसे। ये इसका आप तो कविता का सर। भगवान, क्या होगा मेरी बेटी के साथ? खून, खून, ना जाने मेरी बेटी के साथ क्या होगा। घबरा मत, कुछ नहीं हुआ है तुम्हारी कविता को। उसकी जान का सौदा करने के लिए तो उसने ये भेजा है। घबरा मत, पकड़ो जरा। अरे मैग्नीफाइंग ग्लास देना तो। ये देखो, ये रुई जैसे कुछ दिखता है ना? ऐसे रुई? स्कार्फ दो जरा। ये देखो, इस पर भी कॉटन के सिरे हैं, मगर अलग अलग हैं। खून सूखा हुआ है ना, इसलिए फंसे नहीं है उसमें। ये देखो, एक मिनट, ये क्या है? तो मशीन ऑयल है। मतलब किसी रुई की फैक्ट्री में रखा गया उसे। फ्रेडी, ये तो हम इस वक्त कुछ नहीं कह सकते। वैसे नीलेश एक बात बताओ, ये औरत जिसने अभी फोन किया था, कहीं वो मीतू तो नहीं?
मीतू की आवाज नहीं थी सर, और किसकी आवाज थी मुझे नहीं मालूम सर। अच्छा, ये किस सामान के बारे में बात कर रही थी? मुझे नहीं मालूम सर किस सामान की बात कर रही थी। आखिर कोई सामान मेरी बेटी की जान से कीमती थोड़ी ना। नहीं, नहीं, कुछ तो होगा ना। एक बात बताओ, ये अनामिका जब घर से गई बाहर, तब उसके हाथ में कुछ सामान था? मुझे नहीं मालूम सर, मैं तो अपने कमरे में सोने चला गया था। मेम साहब तो खाली हाथ निकली थी, उनके पास उनके हैंडबैग के अलावा कुछ नहीं था सर। हैंडबैग था? कैसा हैंडबैग? नीले रंग का हैंडबैग था सर। नीले रंग का हैंडबैग, मगर ऐसा हैंडबैग तो हमें उस ऑडिटोरियम में मिला तो नहीं। और सर, अनामिका की गाड़ी में भी ऐसा कोई हैंडबैग नहीं मिला। सचिन, जरूर वो हैंडबैग गायब किया गया है, जरूर उस हैंडबैग में कोई राज छुपा है। सर, इस केस में कुल मिलाकर चार गोलियां हैं जिसके नतीजे पे हमें पहुंचना है। एक वो जो अनामिका के गले पे लगी, दूसरी वो जो शशांक के पैर पे लगी, और तीसरी और चौथी गोली वो जो हमें थिएटर में से मिली। बिल्कुल दया, बैलिस्टिक फिंगरप्रिंटिंग की तकनीक के जरिए नतीजे पर पहुंचना ज्यादा मुश्किल नहीं। सर, बैलिस्टिक फिंगरप्रिंटिंग, ये किस किस्म की तकनीक है? उनमें गन से चली हुई हर गोली पर वो गन जिसे वो गोली चली है अपना एक खास निशान छोड़ देती है। हाँ सर। तो हम इस विज्ञान के जरिए उस गोली पर जो निशान है उसे उस गन से मैच करके देखते हैं जिस गन से वो गोली चली है। ये गोली उस खास गन से चली है या नहीं चली। तो अब हम ये पता लगाएंगे कि इन सारी गोलियों में से कितनी गोलियां दीना के गन से चली है। यस सर, तीन गोलियों को दीना के गन से मैच करके देखो। एक वो जो शशांक की टांग पर लगी, और दो वो गोलियां जो थिएटर हॉल में मिली। मतलब अनामिका वाली गोली को मैच करके नहीं देखेंगे दीना के गन से? नहीं। वो क्यों सर? वो इसलिए क्योंकि अनामिका की मौत ये 7.62 mm गोली से हुई है। ये गोली स्नाइपर राइफल से चली, और ये तीन गोलियां साधारण गन से चली, 8 mm की गोली है। पता चल जाएगा कि दीना की गन से गोलियां चली हैं या नहीं। तो मतलब सर, अभी हो जाएगा दूध का दूध और पानी का पानी। नहीं बॉस, शशांक की टांग में जो गोली लगी है वो दीना की गन से नहीं चली। थिएटर हॉल में आपको जो दो गोलियां मिली है वो दीना की गन से चली। मतलब दया, ऑडिटोरियम में तीन गन्स थी जिसमें से एक स्नाइपर राइफल जिसकी गोली से अनामिका की मौत हो गई, फिर दीना की गन में से दो गोलियां चली, और तीसरी गन से जिसमें से वो चौथी गोली चली वो सीधी शशांक के पैर में घुसी। बॉस, शशांक को जो गोली लगी है वो काफी नजदीक से चलाई गई। सर, ये कैसे पता चला? पूर्वी, जिस तरह से ये पता चला कि अनामिका को जो गोली लगी है वो काफी दूर से और ऊंचाई से लगी। और सर, ये अनामिका की बात आपको कैसे पता चली? मैं बताता हूँ कैसे पता चली। ये घाव देखो, 45 से 60 डिग्री नीचे की तरफ, इसका मतलब खूनी कहीं ऊपर की तरफ खड़ा होगा। और ये देखो, ये शशांक के टांग में जो गोली लगी उसका एक्सरे है, और ये देखो ये एक काला काला गहरा सा निशान, इसे कहते हैं ऑपरेशन रिंग। ग्रेट। और ये निशान तब होता है जब गोली एकदम नजदीक से चलाई जाए। मतलब सर, जिस किसी ने भी शशांक पे गोली चलाई वो वहां ऑडियंस के बीच बैठ के पूरा तमाशा देख रहा था। दीना को उसने ड्रग्स दिया,
और जरूर किसी कॉन्ट्रैक्ट किलर को पैसे दिए होंगे अनामिका को मारने के लिए। लगता तो ऐसे ही है। और एक बात, इस अनामिका का सामान जिसके पीछे ये किडनैपर पड़ा है, लगता है इस सामान का जरूर इसके पुराने बिजनेस से संबंध है। अनामिका के दो बिजनेस तो बीच में ठप हो गए थे सर। किस वजह से? सर मुझे तो शर्म आती है कहते हुए, धोखाधड़ी और गैर कानूनी सप्लाईज के कारण। मेरी बीवी कोई दूध की धुली नहीं थी सर। कब की बात है ये? 2009। कहां पर? दिल्ली में। पता लगाना पड़ेगा। पूर्वी काम करो, इस अनामिका के पुराने बिजनेस के बारे में पूरे के पूरे डिटेल्स निकालो। और फ्रेडी, इस मितु, पिया और कविता, इन तीनों के फोन ट्रेस करो, देखो कहां पर है। और सड़ंखे, साथ चल तू हमारे, इस ऑडिटोरियम में जाकर पूरा का पूरा सीन रिक्रिएट करते हैं। सब बंद दरवाजे खुल जाएंगे। नहीं बॉस, इस एंगल से तो शशांक के पैर पर गोली नहीं लग सकती। अनामिका के गले में जो लगी है वो? बस इस स्टेज की हाइट है लगभग 4 फीट, और अगर दीना ने यहां से गोली चलाई तो ये 4 फीट, 4 और 4 8 फीट। लेकिन अनामिका के गले पर जो गोली लगी है उसका एंगल हमें बताता है कि गोली लगी होगी कम से कम 15 से 20 फीट की ऊंचाई पर, तो शायद वहां से। मतलब सर, जिस वक्त मेरे गन से गोली चली उसी वक्त किसी और ने भी गोली चलाई शशांक और अनामिका पे? हाँ, स्नाइपर ने गोली चलाई वहां से। लेकिन सर वहां से साउंड और लाइट वाले ही जाते हैं। अच्छा, तो फिर उन्हीं में से कोई है जो खूनी से ही मिला है? नहीं सर, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? वो इसलिए सर क्योंकि प्ले के दौरान ऊपर कोई था ही नहीं। प्ले से 2 दिन पहले ऊपर का सारा काम खत्म हो चुका था। तो कोई तो है जो चोरी छुपे घुसा है वहां पर, समझे? बुलाओ वॉचमैन को। हाँ सर, अभी बुलाता हूं। सर एक बात समझ में नहीं आ रही है, अगर शशांक अकेला बैठ के प्ले देख रहा था तो फिर उसके पैर पे इतने नजदीक से गोली किसने चलाई? हाँ सर, हमें कोई दूसरी गन भी नहीं मिली इस थिएटर में। सर कहीं शशांक ने खुद ही अपने पैर पे तो गोली नहीं मार ली? जरा धीरज रखो तुम लोग, धीरज रखो, सब पता चल जाएगा। सर ये मुन्ना हमारा वॉचमैन। हाँ मुन्ना, बात बताओ, नाटक के दौरान या फिर ठीक उससे पहले यहाँ पर स्टेज पर कोई आया था, ऊपर चढ़ा था? साहब लाइट और साउंड का काम तो पहले ही खत्म हो जाता है प्ले से पहले। मगर 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 क्या? मीर साहब दिन में आए थे। मीर? नहीं सर। मैंने उनसे पूछा, आप एक्टर हैं, आप ऊपर जाके क्या करेंगे? तो उल्टा मुझे डांटने लगे। मीर? इसे क्या हो गया? मीर, 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 अभिजीत, इसका मतलब है मीर इस सारे चक्कर में मिला हुआ था, पर जरूर उसके पीछे कोई तो और है, कोई तो है, पर कौन? दे, हाँ दे, शमसाहिर खान, अनामिका की मौत के बारे में बताना चाहते हैं कुछ? ओके। हेलो सीआईडीटी, इस इन्वेस्टिगेशन में आपकी मदद करके मुझे बेहद खुशी हो रही। आई होप कि जल्दी सारे क्रिमिनल जेल में होंगे। हेलो, कविता किडनैपिंग केस में कोई अपडेट? कोशिश जारी है। क्या इसके तार भी कहीं अनामिका के रहस्यमय तरीके से तो नहीं जुड़े? इसलिए आपसे कुछ जानकारी चाहिए थी अनामिका कुमार के बारे में। मिसेज अनामिका कुमार, बैकग्राउंड का ज्यादा तो पता नहीं, पर माँ बाप की 1999 में मौत हो गई। 2003 में वो अपनी 3 फर्जी कंपनियों की वजह से सुर्खियों में आई, लेकिन उसके खिलाफ कुछ भी साबित नहीं हुआ। हमारे इन्वेस्टिगेशन में ये सामने आया कि वो नए नए बिजनेस खोलती रहती है और उसके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन होने से पहले उन्हें बंद भी कर देती। सर लगता है इसने अपना सारा दिमाग
420 के बिजनेस में लगा रखा था। पर हैरानी की बात यह है कि ये पहले कभी पकड़ी कैसे नहीं गई। अच्छा आपको कोई खास बात पता चली अपने इन्वेस्टिगेशन के दौरान? हाँ, लेकिन दो चीजें सामने आई। वो ऑफिस खरीदती है, उनको रेनोवेट करवाती है, और 2006 और 2009 में उसके ऑफिस के सर्च के बाद ये सामने आया कि वहां पर सीक्रेट कंपार्टमेंट है, लेकिन उनकी जांच के बाद कोई सुराग नहीं मिला। जरूर कोई ऐसा काम जो दुनिया की नजर से दूर पर्दे के पीछे चल रहा हो। फिर तो सर अनामिका के अभी वाले ऑफिस में इस तरह के कई खुफिया कमरे मिलेंगे। हो सकता है। मुझे उम्मीद है कि इससे मासूम कविता की जान बच जाएगी। वैसे मेरे पास बाकी जितनी भी फाइलें हैं मैं बहुत जल्द आपके पास भिजवाता हूँ। प्लीज, थैंक यू सो मच। यू आर वेलकम। आज तक की टीम को इस केस में आपकी मदद करके खुशी हुई। उम्मीद करते हैं कि आपके इस जानकारी से हम जल्द से जल्द कविता तक पहुंच जाए। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। चेक करो, देखो ऑफिस में अनामिका के बारे में कुछ पता चलता है क्या। सारे बॉक्सेस खोलो सबको। सर इसमें तो खिलौने। सर हाँ सर, सारे डब्बों में खिलौने हैं। ये क्या चक्कर है? ये दोनों खिलौने एक जैसे हैं, पर ये हल्का है और ये भारी है। बाकी खिलौने में भी ऐसी कीमती पत्थर है। ओह, तो इन खिलौनों का असली खेल ये कीमती पत्थर है। अब समझ में आया कविता का किडनैपर किस सामान की बात कर रहा था। मुझसे कुछ सामान मांग रहे थे। मुझे बचा लीजिए मैम, मैं मरना नहीं चाहती मैम, मुझे बचा लीजिए। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा।
कविता, कविता कौन है माँ? इसका ख्याल रखो। कौन है? कौन है तुम लोग? क्या साहब, इनको नहीं जानते? चमन चंद्रू, एंटीक चोरों के दुनिया के सबसे बड़े खिलाड़ी। चमन चंद्रू? सर इसका नाम तो अनामिका के बिजनेस पार्टनर्स की लिस्ट में भी था जो शम्स ताहिर ने हमें दी थी। तो उस रात अनामिका तुमसे बिजनेस डील करने निकली थी घर से। मेरा टाइम, मेरा वक्त बर्बाद मत करो। पैकेट निकालो, उस लड़की को लेकर के जाओ। पैकेट तो नहीं हमारे पास। तुम लोग ऐसे नहीं मानोगे, पैकेट तो मेरा। इधर उधर क्या देख रहे हो, मेरा पैकेट दो। नहीं सर, मैं आप लोगों को सब बताता हूँ, सब बताता हूँ आप लोगों को। सर मैंने अनामिका को नहीं मारा है, अनामिका मुझे पन्ना देने वाली थी। सर मैंने एडवांस में उसको 10 करोड़ रुपए दिए थे। सर मैं भला उसे क्यों मारूंगा? मेरा तो सर 10 करोड़ रुपए भी डूब गए। तो तुमने उसे उस थिएटर में नहीं बुलाया तपले देखने? सर मैं भला क्यों अपना अचानक प्लान चेंज करूंगा? पता नहीं वो अचानक कैसे रंगमंच पर आगे अपनी मौत को दावत देने के लिए। सर मैं तो बर्बाद हो गया। लूट गया सर, मेरे 10 करोड़ चले गए। दया लगता है कोई तो है जो इस चमन से इमरल हड़पना चाहता है। सर अनामिका के कोई करीबी हो सकता है जिसे इस डील के बारे में मालूम थी। पिया, शशांक या मितू, नौकरानी मितू? सर सिर्फ ये मितू के फोन की लोकेशन पता चल जाए। हेलो, थैंक यू। सर मोबाइल कंपनी वालों का फोन था, उन्होंने हमें मितू के मोबाइल की लोकेशन भेज दी। अरे चलो देखते हैं। तो आखिरी बार मितू का फोन अनामिका के घर से बदोड़िया बस्ती की तरफ गया सर, और तब से वहीं पर है। 78 बदोड़िया बस्ती पूर्वी। चेक करो, देखो किसका एड्रेस ही है। सर ये तो अनामिका के ड्राइवर रुपेश का एड्रेस है। इस ड्राइवर की गाड़ी को ब्रेक लगाने का वक्त आ गया है सर। हाय, हेलो, छोड़ो, ध्यान से मेरी बात सुनो। असली चीज मेरे पास है, इससे पहले सीआईडी मुझ तक पहुंच जाए पैसे दो और सामान ले लो। डोंगरी ब्रिज पर आके मिलो ठीक 3 बजे। मुझे तो लगा तुम लोग नहीं आने हो। अनामिका के सामने तो तेरी चूतक नहीं निकलती थी, अब देखो चींटी के इतने पर निकल आए हैं। ये असली पन्ने वहां से गायब करके नकली पन्ने वहां रख दिए। काम की बात करो, असली चीज चाहिए या नहीं? पहले हम कैसे मान लें कि तुम्हारे पास जो पन्ना है वो असली है? असली की पहचान दूर से हो जाती है। बिल्कुल सही कहा तुमने, असली की पहचान दूर से ही हो जाती है। जैसे असली पन्ना वैसे असली मुजरिम। और अब तुम्हें तोहफे में मिलेगी तुम्हारी मौत। लेकिन तुम कौन हो? शशांक की टीम की वो खिलाड़ी जिसे अनामिका भी नहीं जानती थी। अब बता क्या है तेरी आखिरी इच्छा? अपनी आखिरी इच्छा की फिक्र करो क्योंकि खेल तो खत्म हो चुका है तुम्हारा। छोड़ो मुझे। इतना भागेगा तो तेरे टांग का घाव कैसे ठीक होगा? छोड़ो मुझे। कैसे छोड़ू, अभी तो सिर्फ पर्दा उठा, पूरा का पूरा नाटक देखना तो अभी बाकी है।
इतना बड़ा धोखा, इसका मतलब ये है कि रुपेश को आप लोगों ने भेजा हम लोग को फंसाने के लिए। तुम लोग रंगमंच में नाटक करती हो, और मुजरिमों को पकड़ने के लिए कभी कभी हम लोग असली जिंदगी में नाटक करते हैं। कहाँ भाग रहा है? कहाँ भाग रहा है? मीतू कहाँ है? सब मीतू तो मर चुकी है। अनामिका मेम साहब ने उसे मार दिया था सब, और मैंने तो बस उसकी लाश दफना दी थी। और लालच में आकर तुमने मीतू का फोन अपने पास रख लिया, क्यों? जी जी मेम साहब, इसके अलावा मैंने कुछ नहीं किया था, मुझे छोड़ दो। पहले ये बता, जो लोग इस जुर्म में शामिल है सबको जानता है? जी। उनको फोन कर, उनको बोल असली पन्ना तेरे पास है, और अनामिका के बैग में जो पन्ना है वो नकली है, समझा? इसका मतलब रुपेश के पास भी असली पन्ना नहीं था। आप लोग तो बेवजह बेवकूफ बनकर। लालच चीज ही ऐसी होती है, अच्छे खासे अकलमंदों के दिमाग पे पर्दा पड़ जाता है, फिर तुम लोग तो मुजरिम ठहरे। नहीं, मुजरिम मैं नहीं, ये दीना है। मेरी गर्लफ्रेंड को क्यों दोष देती हो? सारा का सारा प्लान इसी का था। तुम भी तो अपनी मर्जी से ही इस प्लान का हिस्सा बनी थी ना? हाँ सर, पूरा प्लान मेरा था, क्योंकि मैं अनामिका को नहीं देख सकती थी शशांक की मेहनत का मुनाफा लेते हुए। सारी मेहनत ये दोनों करते थे और सारा फायदा उस अनामिका को होता था, इसलिए अनामिका को मारने का प्लान तुमने बनाया। हाँ सर, और मैंने खुद ही अपने जूस में एक नशीला केमिकल मिलाया और गोली चलाने का ढोंग किया, ताकि आप लोगों को मुझ पे शक ना हो सके। प्लान बहुत अच्छा था, लेकिन फेल हो गया। नहीं होता फेल, अगर कविता किडनैप नहीं होती तो। ये बताओ कि मीर को क्यों मारा? मीर भी हमारे ही प्लान में शामिल था, लेकिन फिर उसकी नीयत खराब हो गई और हिस्सा मांगने लगा, मुझे धमकी देने लगा कि वो सीआईडी को आके सब कुछ बता देगा, इसलिए सर उसे भी ऊपर पहुंचाना पड़ा। लोगों को ऊपर पहुंचाने की बात तो ऐसे कर रही हो जैसे बच्चों का खेल हो। इंसानी जिंदगी की कीमत का एहसास अभी नहीं है तुम्हें, लेकिन जैसे जैसे फांसी का दिन नजदीक आएगा ना, पता चलेगा जीवन कितना कीमती होता है। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।